मैंने कहा था कि मैं लेने आ जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी। कहाँ रह गई? आ रही है बापूजी, आ रही है। कहाँ है? कहाँ है? हाँ, वहाँ कहाँ जा रहे हो? मैं अभी अभी देख के आया हूँ, रेडी है, कल आ जाएगी। कल? अब अरे लेकिन मेरे साथ तो फोन पे आज की बात हुई है। आपने उन्हें फोन किया था? हाँ। तो बापूजी मुझे बता देते ना, मैं खामखा वहाँ जाके आया। तू काशी गया था? काशी? बापूजी गणेश जी की मूर्ति देखने मैं काशी क्यों जाऊंगा? अरे मैं मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ आज काशी से आने वाली है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं गणेश जी की मूर्ति देख के आया हूँ, वो बात कर रहा हूँ, माँ की बात कर रहा हूँ। बापूजी आई एम वेरी सॉरी, ये डेकोरेशन और ये सब तैयारी करने के टेंशन में भूल गया मैं। बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सब अच्छे से डेकोरेट करेंगे, देख लेना। हाँ हाँ बच्चों, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पता है लास्ट ईयर सचिन सलोनी, लास्ट ईयर इन लोगों ने इतना अच्छा डेकोरेशन किया था, याद है? याद है मतलब अच्छे तरह से याद है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल गणेश चतुर्थी खत्म हो गई और आज फिर से शुरू हो गई। यही तो खास बात है गणेश जी की, 10 दिन के लिए सिर्फ आते हैं पर पूरे साल दिन में बस जाते हैं। दादी, बस दादी अब आप आ गए हो ना, तो देखना इस साल भी हम गणेश जी के स्वागत की तैयारी एकदम धूमधाम से करेंगे। मंगल मूर्ति। क्या डूबा डूबा, इसको पूछो तो जरा। अरे डूबा भाई क्या हुआ? हाँ क्या वादा परियों ने मुझसे कि मिलेगी हम सबको हिमक्रीम हर शुक्रवार ठीक इसी समय। क्या? इसलिए हो जाओ तुम सब भी खुश और नाचो गाओ मेरे से। डूबा डूबा भाइयों रुकियो, मैं नाचो गाओ मेरे साथ। है नहीं खानी तुम सबको हिमक्रीम? है खानी पर खा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कर रही सभी परियां सभा रानी परी के साथ, परी लोग सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। हाँ उनकी ये सभा चलेगी घंटों तक, तब तक करना पड़ेगा हमें इंतजार। ठीक डूबा डूबा भाइयों, जाइए लग जाइए अपने सुरक्षा कार्य में। है ठीक, चलो भाई। करो तुम सब इंतजार, मैं तो चला परी लोक के पास। हूँ जाता पृथ्वी लोक और खा लेता हूँ ढेर सारे हिमक्रीम। यूं जाऊंगा और यूं आऊंगा वापस, यहाँ किसी को नहीं चलेगा पता कि हूँ मैं लापता। परियों हम आप सबके सुझावों पर विचार करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि हम जल्द से जल्द परी लोक की कड़ी सुरक्षा के लिए कोई स्थायी हल अवश्य ढूंढ निकालेंगे। ये सब क्या हो रहा है रानी परी? परीलोक के आसमान का रंग अचानक बदल क्यों रहा है? रानी परी
जरूर ये किसी घटना या फिर किसी दुर्घटना का संकेत है। हाँ बालपन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कल्प वृक्ष के उगने का संकेत है। जब भी ब्रह्मांड में कहीं पर भी कल्प वृक्ष उगने वाला होता है तो उसके संकेत परिलोक में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे किसी वृक्ष के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना रानी परी। हाँ रानी परी, ये कल्प वृक्ष क्या है? परियों, कल्प वृक्ष एक जादुई वृक्ष है। ये कोई साधारण वृक्ष की तरह एक छोटे से पौधे से बड़ा होकर वृक्ष नहीं बनता, बल्कि इसका जन्म ही एक बड़े वृक्ष के रूप में होता। और हाँ पर, इस कल्प वृक्ष की एक और विशेषता है। वो क्या रानी परी? वो ये कि ये एक इच्छा पूर्ति वृक्ष है। यदि कोई इस वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी इच्छा को प्रकट करता है तो उसकी वो इच्छा जरूर पूरी होती। रानी परी, ये वृक्ष देखने में कैसा होता है? रुकिए परियों, हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए परियों, ऐसा दिखता है कल्प वृक्ष। लेकिन परियों, हमें जल्द से जल्द इस कल्प वृक्ष को ढूंढकर इसे नष्ट करना होगा। क्यों रानी परी? एक निर्दोष वृक्ष की हत्या? हाँ पर, क्योंकि जाने अनजाने में इस वृक्ष के नीचे बैठकर मांगी हुई कामना किसी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। रानी परी, फिर तो ये वृक्ष बहुत ही खतरनाक वृक्ष है। ये वृक्ष खतरनाक नहीं है, बल्कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मांगी हुई कामना खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे बैठकर मांगी हुई कामना का सुधार भी इसी वृक्ष के नीचे ही हो सकता है। इस पर कोई भी जादू काम नहीं कर सकता। परियों, आसमान का रंग तो पहले जैसा हो गया। इसका मतलब कल्प वृक्ष ने अपने उगने का स्थान चुन लिया है। परियों, हमें जल्द से जल्द कल्प वृक्ष को ढूंढकर इसे नष्ट करना होगा। जी रानी परी। पापा, दोपहर को क्यों? अभी चलते हैं ना गणपति जी को लेने। रुको बच्चों, रुको। दोपहर को इसलिए कि दोपहर के बाद शुभ मुहूर्त है ना? तो हम लोग गणेश जी की स्थापना दोपहर के बाद करेंगे, है ना? तो फिर पापा, इतनी अच्छी बात पे हमारा मुंह मीठा तो होना ही चाहिए। और वो जो आप आइसक्रीम लेके आते वो मिल जाए तो मजा आ जाए। वो आइसक्रीम, अरे वाह, इन बच्चों को तो आइसक्रीम खाने का बहाना चाहिए होता है। अब खाने दो ना, बच्चे ये उम्र में नहीं खाएंगे तो क्या मेरी उम्र में खाएंगे? हे हरी, मीठी मीठी सुगंध हिम क्रीम की इस यंत्र से। पहले से पता चले बुल्लू मतलब बालवीर को, वो जाता मैं तुरंत खाकर हिम क्रीम। इतनी सारी क्रीम। एक काम करो, बच्चों के लिए आइसक्रीम लाओ, तो उसी बहाने मुझे भी खाने मिल जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा है? बापूजी, आपकी सेहत के लिए डॉक्टर ने मना किया है ना? चलो बापूजी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। चलो, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मतलब बच्चों, हम बड़े आइसक्रीम नहीं खाएंगे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हम खाएंगे। बिल्कुल सही कहा महेश भैया, ऐसे छोटे छोटे त्याग ना मैंने बहुत किए, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। अभी बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे हूँ मैं, क्यों चुप रहा डर के?
नहीं देख सकते पृथ्वी लोक के निवासी मुझे बिना मेरी मर्जी के। ये बच्चे 11 में से सिर्फ 6 हिमक्रीम। चलो कोई बात नहीं, चला लूंगा मैं जैसे तैसे काम इस 6 हिमक्रीम से। बच्चों आइसक्रीम कैसी है? बहुत अच्छी है। जवाब शुभांगी भाभी। हाँ? मैं काम करो ना, हम बड़ों के लिए भी थोड़ी आइसक्रीम लेके आओ। हाँ, हाँ मतलब क्या बड़े? मतलब शुभांगी भाभी, मैं और माँ। हाँ। और थोड़ी बापूजी के लिए भी क्या ना। अभी लाती हूँ। में से भी बची केवल दो, तो उससे होगा क्या मेरा? पर चलो चला लेता हूँ जैसे तैसे काम दो से ही। एक मिनट, के मैं क्या करूं? ले ही जाती हूं। देवी जी सुनिए मेरी बात। देवी जी, देवी जी। देखे जाता है क्या ऐसे कोई हिस्ट्रीम रखने का ना थोड़ा? बहुत बढ़िया बाबूजी, एक मेरी है। ये लीजिए। वाह। बच्चों फ्रिज में ना दो एक्स्ट्रा आइसक्रीम थी तो उसे मैं ले आई। एक्स्ट्रा? हाँ। बच्चों चीना झपटी नहीं, चीना झपटी नहीं। अब ये दो आइसक्रीम ना तुम लोग सब ठीक से शेयर करना। हाँ, एक आइसक्रीम सचिन सलोनी शेयर करेंगे और एक मानव महर। सुना अब मैं किसको अपने दिल की बात? है नहीं यहाँ तो कोई मेरी बात सुनने वाला। चलो और कोई नहीं, ये पेड़ ही सही। वो बताता मैं अपनी पीड़ा इस पेड़ को ही। पर नहीं समझता कोई मेरी पीड़ा, तो शायद समझ ले ये अजीब सा दिखने वाला पेड़ ही। ए पेड़ भैया, डूब गई मेरी नैया। आई हाथ हिम क्रीम पर मुंह को ना लगी। खाई सबने हिम क्रीम मजे लेने के, बस बस वो मैं ही भूखा। काश होती मेरे पास ऐसी हिम क्रीम जो कभी ना खत्म हो, जो कभी ना खत्म हो। ये किसी भली परी का काम जो देख नहीं सकती मुझे दुखी और उदास। शुक्रिया परी, शुक्रिया। इतनी सारी हिम क्रीम, अरे रुकने का नाम नहीं ले रही हिम क्रीम। करता हूं एक काम, मुझे जाता परी लोग
और खिलाता अपने सारे बड़ों भाइयों को। पांगी, चलो हम मिलकर प्रसाद के लड्डू बना लेते हैं। हाँ। मानव, क्या बोलता है? रेस हो जाए? रेस? तू बुद्धू है क्या? भागम दौड़ी में ये आइसक्रीम गिरने जाएगा? ये अपना मर्जी कोटकली। मैं वो खाने वाले रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो? मैं खाने वाले रेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, खाने वाले? चल देखते हैं कि हम दोनों में से आइसक्रीम पहले कौन खत्म करता है। एक मिनट, हम दोनों के हिस्से की आइसक्रीम बचा के रखना। तो चलो शुरू करते हैं। वन टू थ्री। बहन से माफी मांगो। सॉरी मेहर। अरे मेहर सुन ना, बोल ना। थैंक यू आइसक्रीम के लिए, क्योंकि आइसक्रीम का पूरा कप खाने का मजा ही कुछ आ रहा है। मानव तेरी तो अरे कोई बच्चा मुसीबत में, मुझे जाना होगा। पापा, वो चाचा थोड़ी बीमार है तो मैं उनसे मिलकर आ रही। सुन, कोई जरूरत हो तो बता। हाँ। और बेटा जल्दी आना। हाँ। चलो बच्चों आइसक्रीम खाते हैं। अरे मेहर, मेहर प्लीज बच्चा समझ के छोड़ देना। तू बच्चा नहीं है, तू बहुत बड़ा बदमाश है और आज तो मैं तुझे पीट दूंगी। रुक जाने, मैं ही मेहर। अरे क्या मेहर, कैसी बहन है तू? तेरा आधा कप आइसक्रीम का खा लिया मैंने तो तू अपने मासूम और खरगोश जैसे भाई को पीटेगी? मासूम खरगोश नहीं, चालाक बंदर जैसे भाई को आज मैं पीटूंगी, जिसने अपनी बहन का हिस्से का आइसक्रीम खाया। रुक जा। अरे नहीं नहीं मैं, अरे नहीं नहीं, बंदर नहीं मैं, बंदर नहीं खरगोश। क्योंकि अगर मैं बंदर होता मैं वो पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता। मानव, काश तो सचमुच में एक बंदर होता। में एक बंदर होता। में एक बंदर होता। में कम से कम मेरी आइसक्रीम तो बच जाती। क्यों, बंदर आइसक्रीम नहीं खाते? नहीं, बंदर आइसक्रीम नहीं खाते बल्कि मार खाते, वो भी मेरे हाथ से। रुक जा। नहीं नहीं, रुक जा, मैं जा, छोड़ दो, रुक जा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.